मेंटल स्टेबिलिटी पे। साधक को बहुत जरूरी है कि वो अपना समभाव बना के रखे। परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, हमारे कर्म अनुसार हमारे साथ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें बहुत अच्छा और बहुत बुरा दोनों वक्त दिखाएंगी। दोनों ही स्थिति में हमारे को संभाव बीच का रहना है, इधर उधर ऐसा न हो कि यहाँ की हवा चली तो हम इधर झुकते हुए चले गए, यहाँ की हवा चली तो हम इधर चलते चले गए, ऐसे नहीं। हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं तो हवा आएंगी तो हमें उस रास्ते से हिला ना पाए, तो ये जो संभाव है ये बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे संभाव में। पहली बात, संतोष होना, कंटेंटमेंट होना, ये ऐसा भाव होना कि जो हम कर रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो ठीक है, हमारी श्रद्धा तो है ही है, हमें पता भी है और हम तैयारी के साथ चल रहे हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसा भाव है कि हम हाँ सही चल रहे हैं। अब जो तकलीफें आ रही हैं वो तकलीफें हमारे कर्म अनुसार आ रही हैं, पुराने कर्मों के अनुसार, अभी तो हम ऐसा जनरेट कर नहीं रहे जो हमारे को ऐसी तकलीफें आ रही हैं, इसलिए कोई बात नहीं, इनको हम शांति से भोगते हैं और ये आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगी, शायद कुछ सिखा, हमें कुछ सीख भी मिल जाए इनसे, तो वो जो सीख है उसको लेते हुए और हम आगे बढ़ेंगे, तो समभाव इसमें आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो नॉर्मल एक टेंडेंसी है कि हम, हमारे सामने कुछ होता है तो हमारी एक आदत है जो हमारी अब तक हम बनाते हुए आए हैं कि हर एक चीज़ पे हमें कुछ ना कुछ कमेंट करना है, कुछ ना कुछ या तो आंदरूनिक अंदर से हमारे को कुछ ना कुछ बोलना है, रिएक्शन देना है, या फिर हमारे को आगे से ही रिएक्शन देना है, कुछ ना कुछ तो हमारे को रिएक्ट करना है। ये भी हमारे संतुलन को बिगाड़ता है, चाहे हम इसमें हमारे को पहचान हो पाए या ना हो पाए, क्योंकि ये बार बार हो रहा है, हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर का बैलेंस जो है वो शेकी है, तो हमारे को इन चक्रों में भी नहीं पड़ना। क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है, हमारे पे असर नहीं करना चाहिए। हमारे पे जो कर्म आ रहे हैं वो हमारे पे ऐसे असर ना करें कि हमारा रास्ता जो है उससे हम डगमगा जाएं। ये है संभाव। संभाव या बैलेंस्ड माइंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मन का सहारा लेके ही आगे चल रहे हैं और शरीर को तो हम स्वस्थ रखना ही चाहते हैं, शरीर का भी सहारा है, मगर शरीर को स्वस्थ रखना और शरीर को बैलेंस में रखना थोड़ा आसान है। मन के अंदर जो इमोशंस और जो हमारे विचार हैं जिनको हम समझते हैं कि हम ही हैं, उनको बैलेंस में रखना वो थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, क्योंकि हमारी आदतें बचपन से ऐसी रही हैं कि हमारे को बैलेंस खो देना बड़ा आसान लगता है। तो ये बैलेंस जो है ये बहुत ज़रूरी है, संतोष का भाव होना बहुत ज़रूरी है।